हेलो दोस्तों सिविल नॉलेज पॉइंट आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं इस थ्री मॉडल को डिस्कस करने वाला हूं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजाइन किया गया है दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि यह एक स्कूल का डिज़ाइन किया गया है दोस्तों यदि आप भी ऐसा ही थ्री मॉडल का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो अपना प्लॉट साइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों यह थ्री मॉडल भी एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस थ्री मॉडल को डिजाइन किया हूँ दोस्तों आज की एरिया की बात किया जाए तो टोटल एरिया 8300 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको प्लेग्राउंड इंक्लूडेड है दोस्तों इसमें प्लेग्राउंड की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे फोटी हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया गया है सभी चीज़ें डिटेल्स में आपको वीडियो के आगे देखने को मिलेगा तो सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चलिए दोस्तों आज मैं इस त्री मॉडल को डिस्कस करते हैं दोस्तों देख सकते हैं इस स्कूल के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेन एंट्री गेट दिया गया है जिससे आप अंदर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों गेट की साइज की बात करें तो देख सकते हैं चौदह से पंद्रह फीट में इस मेन गेट का इसका डायमेंशन दिया गया है और इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ से चारों साइड से बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन किया गया है, जो कि फोर फीट हाइट में होने वाला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लेग्राउंड में देख सकते हैं गार्डनिंग कुछ इस तरह से ट्री लगाया गया जो कि काफ़ी नेचर फ्रेंडली होने वाला है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा स्पेशियस प्लेग्राउंड देखने को मिल जाता है चलिए दोस्तों अब आपको अंदर लेकर चलते हैं देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपका थ्री मॉडल देखने को मिलेगा जो कि ग्राउंड फ्लोर में कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है यहाँ पर आपको प्लिंथ बीम और कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना सभी चीज़ें डिटेल्स में दिया गया है दोस्तों इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्लासरूम देखने को मिल जाता है दोनों साइड से और उसके आगे भी एक और क्लासरूम देखने को मिलेगा जस्ट आगे देखेंगे यहाँ एक प्रिंसिपल ऑफिस देखने को मिल जाता है साथ साथ टॉयलेट बाथरूम और यहाँ पे मेन देख सकते हैं फ्रंट में एक शीड्यू रूम का डिज़ाइन किया गया यहाँ पे शीडी रूम का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एट क्लासरूम देखने को मिल जाता है जो कि सभी क्लासरूम की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होने वाली है साथ में यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं एक क्लासरूम देखने को मिल जाता है जिसका साइज की बात करें तो 15 फीट इंटू ट्वेंटी फ़ीट में डिज़ाइन किया गया है दोनों साइड से सेम डायमेंशन के साथ क्लासरूम देखने को मिल जाता है इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ पर भी क्लासरूम देखने को मिल जाता है जिसका साइज़ फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व फीट का रहने वाला है इसके आगे जस्ट बढ़ने पर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस का डिज़ाइन किया हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस देखने को मिल जाता है प्रिंसिपल ऑफिस अटैच्ड आपको एक टॉयलेट रूम का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस अटैच एक टॉयलेट रूम मिल जाता है जिसका साइज सिक्स सेवन फीट सिक्स इंच इंटू फाइव फीट सिक्स इंच रहने वाला है इसके साथ साथ यहाँ कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है एक इधर भी कॉमन वॉशरूम और एक टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है जो कि स्टाफ रूम से अटैच्ड होने वाला है दोस्तों इसका कलर कॉम्बिनेशन की बात करें देख सकते हैं येलो कलर पे मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा हूँ सभी क्लासरूम में जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्लासरूम में जाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड से एक एक विर का डिज़ाइन किया गया है और साथ में फ्रंट में देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे विंडोज़ देखने को मिल जाता है इसमें बड़े से क्लासरूम में यहाँ पर दोनों साइड से आपको एक एक विंडोज देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थ्री स्टेप में सीढ़ी का डिज़ाइन किया गया जिससे आप सभी क्लासरूम में आसानी से इजीली जा सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको चारों साइड से फाइव फीट का एक ब्रांडा देखने को मिल जाता है इसी ब्रांडे से एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं खूबसूरत खूब सुंदर से यहाँ पर कॉलम का डिजाइन किया गया है देख सकते हैं कॉलम का डिजाइन किया गया ब्रांडे में और फ्रंट में यहाँ पे एक पोर्च देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस तरह से पोर्च देखने को मिलेगा तो यहाँ से एंट्री करके आप यहाँ पे एक सीढ़ी रूम का फ्रंट में देखने को मिल जाता है जो कि इससे आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोर्च में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सीढ़ी रूम का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है सीडी रूम से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टेरेस पे आपका एंट्री मिल जाता है दोस्तों टेरिस देख सकते हैं कुछ इस तरह से बड़ा सा टेरेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे पैरापेट वॉल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि रेलिंग होने वाला है और आयरन रेलिंग्स का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने स्कूल का नाम भी दे दिया हूँ आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का नाम दे सकते हैं आप चाहे तो यहाँ भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं दोस्तों इसका कलर कॉम्बिनेशन येल्लो और देख सकते हैं पिंक कलर पे रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं इस थ्रीड मॉडल यहाँ पे सी डी रूम का डिज़ाइन किया गया है जो कि टेरेस पे डिजाइन देखने को मिल जाता है सेम डायमेंशन के साथ जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा है दोस्तों आप चाहे तो इस थ्रीड मॉडल को आप फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर तक भी डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से चारों साइड का व्यू आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों ये हुआ चारों साइड का प्लान वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो किस तरह से लगा आप यदि आप भी चाहते हैं आपके लिए भी थर्डी मॉडल का कर डिज़ाइन करूँ तो आप अपना प्लॉट साइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चलिए दोस्तों ये हुआ का वीडियो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में